नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। भारत से उलझना पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है। हालत यह है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने और भारत के खिलाफ साजिश का खामियाजा पाकिस्तान की पूरी मदरसा पैदाइश को भुगतना पड़ रहा है। किसी जमाने में पाकिस्तान की मदद के लिए हमेशा खड़े रहने वाले सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात उससे दूरी बनाते जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कतर और बहरीन जैसे देश भी उसके पाले से अलग होने की राह पर हैं। इसका सीधा फायदा भारत को ही हो रहा है। इन मुस्लिम देशों से भारत के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं, साथ ही द्विपक्षीय व्यापार भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा कतर की यात्रा के बाद पाकिस्तान के तहमंद गीले हो उठे हैं। जून 2019 में कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी ने पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उसे आर्थिक मदद मुहैया कराई थी। इसके बाद से इमरान खान भी कतर की दो बार यात्रा कर चुके हैं। कतर और पाकिस्तान के काफी मजबूत रिश्ते रहे हैं, मगर भारत बड़ी सफाई के साथ कतर से पाकिस्तान की विदाई की पटकथा लिख चुका है। ऐसे में इस मदरसा मुल्क के होश उड़ना लाजमी है। अब जो लोग ये आंकलन कर रहे हैं कि भारत की रणनीति खाड़ी देशों में पाकिस्तान को भीख मंगा बनाना है, तो वह अभी भी पूरी तरह गफलत में है। भारत यहां एक तीर से दो शिकार की नीति पर काम कर रहा है। मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले खाड़ी देशों के साथ रिश्ते सुधारने शुरू किए थे। उस वक्त पाकिस्तान इन्हीं मुस्लिम देशों के भरोसे बल्लियों को उछलता था। इसकी वजह यही थी कि यह मुल्क पाकिस्तान के एटीएम हुआ करते थे। यह देश सिर्फ पाकिस्तान को आर्थिक मदद ही उपलब्ध नहीं कराते थे, बल्कि पाकिस्तान के भिखारी तक भीख मांगने दुबई, रियाद और दोहा में जाते थे। इसके अलावा 8 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों को इन देशों में सीधे रोजगार भी मिला हुआ था। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रणनीति बनाई, उसमें खाड़ी देशों से पाकिस्तान का सफाया करना और भारत को बड़ी तादाद में यहां स्थापित करना था, जिसके बाद यूएई और सऊदी अरब में बड़ी तेजी से भारतीयों के लिए रोजगार के दरवाजे खुलते चले गए। हालत यह है कि सऊदी अरब और यूएई में भारत को रोजगार के ज्यादा मौके मिल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का इन देशों में वजूद मिटने की कगार पर है। यूएई ने नवंबर के आखिर में पाकिस्तान सहित 13 देशों के नागरिकों पर वीजा बैन लगाया था। इस बैन के कारण करीब 35,000 पाकिस्तानी यूएई में रोजगार गंवा चुके हैं, जिसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं भारत को मिला है। खबरों के मुताबिक इनमें से करीब 80% जॉब भारत को ही मिली है। मजे की बात यह है कि अभी 1.5 लाख से अधिक पाकिस्तानियों के रोजगार पर संकट मंडरा रहा है, जिसका लाभ भी प्रोक्स तौर पर भारत को ही मिलने वाला है। हालांकि वीजा बैन हटवाने के लिए पाकिस्तान लगातार यूएई के सामने तशरीफ रगड़ रहा है। पाक विदेश मंत्री अब तक 2 बार यूएई के राजदूत के सामने यह मुद्दा उठा चुके हैं, परंतु यूएई की तरफ से यही कहा गया है कि यह प्रतिबंध कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। वैसे पाकिस्तान इस वजह से ज्यादा टेंशन में है कि कोरोना के मामले भारत में उससे कई गुना अधिक है, मगर यूएई ने भारत पर ऐसा कोई बैन नहीं लगाया है, बल्कि भारत के नागरिक यूएई में बेरोक टोक आ रहे हैं। संभवतः यह यूएई और पाकिस्तान के बीच बढ़ती दूरियों का साफ संकेत है। दरअसल खाड़ी देश पाकिस्तान के तशरीफ उठाऊ गिराव की परिपाटी से बाहर निकलना चाहते हैं। पाकिस्तान की जाहिल जनता की संगत में आने से खाड़ी देशों में दकियानूसी विचारधारा का संकट खड़ा हो गया था। पाकिस्तान के हुक्मरान मजहब के नाम पर इन देशों को बरगलाकर आर्थिक फायदे उठाते रहे हैं। इसके बदले इन मुस्लिम देशों को पाकिस्तान से फायदे की बजाय नुकसान उठाना पड़ा है। खाड़ी देश अब अपनी छवि बदलने की कोशिश में लगे हैं। वे खुद को केवल तेल निर्यातक और कट्टरवादी सोच रखने वाले के तौर पर प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं। उनका ध्यान टूरिज्म, आईटी जैसे क्षेत्रों पर है। वे इन मुद्दों को अहम मानकर भारत और इजराइल जैसे देशों के साथ अच्छे संबंध बना रहे हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब और यूएई ने भारत में $200 अरब से अधिक निवेश करने का लक्ष्य रखा है। यह इतना बड़ा निवेश है जिसकी कल्पना पाकिस्तान जैसा खटारा देश कभी नहीं कर सकता है। इसके साथ ही सऊदी और यूएई की ओर से इस्लामिक सहयोग संगठन OIC पर भारत को सदस्य बनाने का दबाव भी बढ़ रहा है। इन देशों का कहना है कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, इस कारण से भारत की OIC में भागीदारी बेहद जरूरी है। इन देशों का तर्क है कि अगर भारत OIC में शामिल होता है तो यह संगठन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन बन जाएगा। परंतु पाकिस्तान OIC में भारत की एंट्री का लगातार विरोध कर रहा है। उसे फिक्र है कि भारत की OIC में मौजूदगी से उसका इस संगठन से भी सफाया हो सकता है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह खाड़ी के देश भारत से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, वह भारत के साथ इन देशों के मधुर रिश्तों को दर्शाता है। पर मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को एक और झटका देने की तैयारी चल रही है। कश्मीर पर कुरैशी द्वारा अनावश्यक बयान के बाद सऊदी एक्शन मोड में आ गया है। इस वक्त सऊदी के रॉयल पैलेस की सुरक्षा में पाकिस्तान के सैकड़ों की तादाद में सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा सऊदी सेना को प्रशिक्षण देने में पाक फौज के ट्रेनर बड़ी संख्या में कार्यरत हैं। सऊदी अरब इन जाइलो रैपिस्ट पाक फौजियों की छुट्टी करने का मन बना चुका है। इस बड़े फैसले का ऐलान कभी भी हो सकता है। इसकी आशंका से पाकिस्तान के हाथ पांव फूले जा रहे हैं।
क्योंकि सऊदी के इस कदम के बाद पाकिस्तान को बड़ी आर्थिक चोट पड़ना तय है। साथ ही उसके रिटायर्ड सैनिकों के सऊदी में रोजगार के रास्ते भी पूरी तरह बंद हो जाएंगे। खास बात यह है कि सऊदी अरब पाकिस्तान से यह जिम्मेदारी लेकर उसके स्थान पर भारत को दायित्व देना चाहता है। सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे की सऊदी यात्रा के दौरान इस विषय पर चर्चा हुई है। बताया जाता है कि भारत ने सऊदी को रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आश्वासन दिया है। साथ ही सऊदी भारत मिलकर हथियार निर्माण में संयुक्त रूप से काम करेंगे, जो पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। दिसंबर के आखिर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात करके सारे समीकरण बदल दिए हैं। खास बात यह है कि बतौर विदेश मंत्री एस जयशंकर की यह खाड़ी देशों की उनकी पहली यात्रा थी। यह यात्रा इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि पाकिस्तान ओआईसी पर लगातार कश्मीर मसले पर दबाव बना रहा है। कतर और भारत के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने पर सकारात्मक बातचीत हुई है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना निजी संदेश भी कतर के अमीर के नाम भेजा है। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों के बीच 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार 10.95 अरब डॉलर का रहा है, जिसे इस साल 15 अरब डॉलर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि कतर भी भारत में बड़े निवेश की योजना तैयार कर रहा है। इस विषय पर विदेश मंत्री ने कतर के अमीर के सामने भारत की अर्थव्यवस्था में निवेश की संभावनाएं और फायदे की बाबत जानकारी दी है। दरअसल भारत का मकसद कतर से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के साथ भारी निवेश को हासिल करना है और पाकिस्तान का इस देश में प्रभाव भी कम करना है, जबकि बहरीन और भारत के रिश्ते पहले से ही मजबूत रहे हैं। यानी भारत एक बड़ी रणनीति के तहत खाड़ी में अपनी मौजूदगी को लगातार बढ़ाने में लगा हुआ है। इसके उलट पाकिस्तान अंदरूनी कलह और कश्मीर की पूंछ पकड़कर उठक बैठक करने में व्यस्त है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने साल 2018 में सत्ता संभालने के बाद ज्यादा यात्राएं नहीं की है। उनकी यात्राएं सऊदी कतर चीन तक सीमित रही है। यह यात्राएं द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने या निवेश लाने की बजाय कर्ज और भीख मांगने पर केंद्रित रही है। आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तान के पीएम अभी तक जिन देशों की यात्रा पर गए हैं, एक तरफा यात्राएं कही जाएगी। किसी भी देश ने इमरान खान को यात्रा का निमंत्रण नहीं दिया है। इससे यह भी साबित होता है कि पाकिस्तान की दुनिया में कोई अहमियत नहीं है। खाड़ी देशों समेत दुनिया के ज्यादातर मुल्क उसके साथ रिश्तों को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है, जिसका फायदा भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार उठा रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।